हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 BCA एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप BCA करने जा रहे हो तो ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एक बार आप जरूर जान लीजिएगा, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं लिस्ट बाई लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम BCA के, तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पे है निमसेट एग्जाम है, जो NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। सेकेंड पे है IPU CET, यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सेकेंड पे ये था। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ रही होगी, आप लोग इनके बारे में गूगल्स पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो। और थर्ड पे है SET एग्ज़ाम, यानी कि सिम्बॉयसिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ये भी एग्ज़ाम है। उसके बाद फोर्थ पे आता है BHU UET, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी आप लोग देख सकते हो, BHU का जो एंट्रेंस BCA के लिए अंडर ग्रेजुएट टेस्ट होता है। उसके बाद फिफ्थ पे है UGAT, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बाई ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी कि AIMA। तो इस टेस्ट के बारे में आप लोग जानकारी पूरी देख सकते हैं, गूगल्स या यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो आप लोग पूरी जानकारी ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। और इन सारे कोर्स के जो भी एंट्रेंस एग्जाम के जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और अगर आप लोग इन एंट्रेंस टेस्ट को देना भी चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, अगर आप 12th करने के बाद, तो आपके लिए बेटर रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।